राज्य सरकार द्वारा ऋषिकेश और कोटद्वार को नगर निगम का दर्जा दिए जाने से हरिद्वार के बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। हरिद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के समर्थन में नारेबाजी कर अपना उत्साह प्रकट किया। इस दौरान बीजेपी नेता संजय चोपड़ा ने कहा कि सरकार के इस कदम से विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने हरिद्वार ऋषिकेश को मिलाकर कमिश्नरी और राज्य में दो नए जिले बनाने की भी मांग की है। तो संजय चोपड़ा ने आपको बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा कोटद्वार और ऋषिकेश को जो दर्जा दिया है उस दर्जे से खुश होकर के शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि सरकार ने जो फैसला लिया है उस फैसले से आने वाले समय में इन क्षेत्रों का विकास होगा और जो विकास होगा वो आने वाले समय में सरकार के लिए कारगर साबित होगा। संजय चोपड़ा जो कि मंडी समिति अध्यक्ष हैं, उन्होंने हरिद्वार में खुशी जताई है। कोटद्वार को नगर निगम का दर्जा मिला है और ऋषिकेश को नगर निगम का दर्जा दिया गया है सरकार की तरफ से। सरकार का जो फैसला है उस फैसले से खुश होकर के संजय चोपड़ा ने कहा कि सरकार का फैसला सराहनीय है, आने वाले समय में इस फैसले के दूरगामी नतीजे दिखाई देंगे और सरकार को इसका फायदा मिलेगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं। आभार प्रकट करते हैं कि जिस प्रकार से ऋषिकेश को और कोटद्वार को नगर निगम का दर्जा दिया गया, वहीं साथ में हरिद्वार को कमिश्नरी बनाने की मांग करते हैं कि हरिद्वार में कुंभ मेला अर्ध कुंभ मेले का भव्य आयोजन किया जाता है, उस वक्त हरिद्वार को कमिश्नरी बनाया जाता है ऋषिकेश को जोड़कर। तो हम कहना चाहते हैं कि चार जिलों को जोड़कर, पांच जिलों को जोड़कर हरिद्वार को कमिश्नरी बनाया जाना चाहिए।